तो एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख मांगने के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे भीख में तो कुछ देता नहीं बल्कि गंदी गंदी गालियां देता, ताने देता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी मकान का मालिक गुस्से में भिखारी को धकेल भी देता, लेकिन भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक भिखारी रोजाना एक दरवाजे पर आता और भीख के लिए आवाज लगाता, लेकिन जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता, ताने देता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते हो, जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे, और कभी कभी तो वो गुस्से में उस भिखारी को धक्का भी दे देता। लेकिन भिखारी कुछ नहीं कहता, बस वो इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन की बात है, वो सेठ कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने के लिए आ गया जब सेठ गुस्से में था। अब तो सेठ का पारा भिखारी को देखकर और अधिक चढ़ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ सीधा एक पत्थर उठाया और उस भिखारी को दे मारा। वो पत्थर भिखारी के सर पर जाकर लगा, भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और ऐसा कहकर वो भिखारी वहां से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगा, मैंने उस भिखारी को पत्थर भी मारा पर उसने केवल दुआ दी, केवल दुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसे तो जानना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर वो भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। अब भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता, कहीं कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, लेकिन वो भिखारी केवल इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। और जब अंधेरा हो गया तो भिखारी अपने घर की ओर लौटने लगा, सेठ उसके पीछे पीछे। भिखारी अपने घर की ओर जा रहा है, सेठ उसके पीछे पीछे। अब भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, उसकी कुटिया बड़ी ही टूटी फूटी, घास की कुटिया थी, टूटी फूटी एक खाट बाहर रखी हुई थी। झोपड़ी में एक बुढ़िया सोई हुई थी जो शायद भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वो बुढ़िया उठ खड़ी हुई, भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं, और ये आपका सर कैसे फूटा, कहाँ फूटा? भिखारी बोला, हाँ आज बस इतना ही, किसी ने कुछ दिया नहीं, सब ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, और इसीलिए सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है, याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया, याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हाँ मुझे याद है वो अंधा भिखारी, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, और कभी कभी तो हम उसे मार कर धकेल भी देते थे। हाँ मुझे सब याद है, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह अंधा रोटियां मांगता, मैंने उसे बस गालियां ही दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब मेरा ईश्वर करेगा, मैं नहीं, मेरा ईश्वर करेगा। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर उस भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे कोई मुझे पत्थर मारे या लाठी मारे, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है, और अब मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे, मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं
दुआ देता हूँ, क्योंकि क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं। जो वो पाप कर रहे हैं सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, और इसीलिए मेरे दिल में बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। सेठ चुपके चुपके भिखारी की सारी बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई। बुढ़े भिखारी और बुढ़िया ने उस आधी रोटी को मिलकर खा लिया और प्रभु की महिमा के बोल बोलकर सो गए। अगले दिन जब वो भिखारी भीख मांगने के लिए फिर से उस सेठ के वहाँ गया, तो सेठ ने पहले से ही रोटियाँ निकाल के रख रखी थी। उसने वो रोटियाँ, ताजी रोटियाँ उस भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माफ़ करना बाबा, माफ़ करना, मुझे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई, इंसान तो बस दुआ और बददुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो बस अच्छा करे, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। इस बार जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे गालियां मत देना, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ खाने को अवश्य देना, और यदि आप कुछ और मदद कर सकें तो कुछ और मदद करना, मगर गालियां मत देना, क्योंकि वो ईश्वर सभी का हिसाब करता है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।